शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लड्डू गोपाल। और उस दिन के पश्चात ना संसार में अकाल पड़ा और ना ही कामदेव और देवी रती के मदन उत्सव में कोई बाधा आई, क्योंकि अब उनकी रक्षा में स्वयं महागण थी। कामदेव और देवी रती की रक्षा करना ही मेरे जीवन का परम उद्देश्य है। जो भी उनका अहित करने का प्रयास करेगा या उनके कार्य में हस्तक्षेप करेगा, मैं उसके जीवन का अंत कर दूंगा। जो भी असुर यहां आने का प्रयास करेगा, इन असुरों की भांति मैं उनका भी वध कर दूंगा। परंतु प्रभु, स्वयं महागण देवी रति और कामदेव के रक्षक थे, फिर उनके शत्रु कैसे बन गए? वो श्रापित कैसे हुए? तुलसी, जैसे माया और मोह के कारण मनुष्य अपने मार्ग से भटक जाता है, वैसे ही महागण भी अपने धर्म के मार्ग से भटक रहे थे। क्योंकि देवी रथ और कामदेव के समीप रहने से उनमें सौंदर्य को भोगने की, सुख को प्राप्त करने की कामना का जन्म हो रहा था। पर प्रभु, वो तो महादेव के रौद्र रूप थे, वैरागी थे। तुलसी, पर वैराग्य को साधना इतना सरल नहीं होता। बड़े बड़े ऋषि मुनि काम के अधीन हो जाते हैं, अप्सराओं के नेत्र मात्र से उनकी समाधि भंग हो जाती है और महागण के सम्मुख स्वयं देवी रति और कामदेव थे। इसलिए धीरे धीरे उनमें भी सुख समृद्धि को भोगने की लालसा जन्म लेने लगी। वे कामनाएं अंकुरित होने लगी, जो ना केवल महागण के लिए अपितु संपूर्ण संसार के लिए भी अनर्थकारी थी। महागण, आप यहां क्या कर रहे हैं? यही तो मेरा कार्य है देवी, मैं यहां खड़ा होकर आपकी सुरक्षा कर रहा हूं। तो क्या कोई और भी था यहां? क्योंकि मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कोई छुपकर मुझे देख रहा था। नहीं देवी, आप निश्चिंत रहिए, जब तक मैं यहां खड़ा हूं तब तक कोई भी आने का दुस्साहस नहीं करेगा। आप सुरक्षित हैं।
आज प्रथम बार महागण मुझे विचलित लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके मन में कोई अधर्म पल रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये अवश्य ही मेरा ही भ्रम है। नहीं जानता कि ये धर्म है या अधर्म, परंतु अब मैं हर क्षण हर घड़ी आप ही के विषय में सोचता रहता हूं, आपके ही विचारों में मग्न रहता हूं। तुलसी, महागण के जीवन का उद्देश्य था देवीरति और कामदेव की रक्षा करना, पर वे देवीरति के सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनके हृदय में देवीरति को पाने की कामना जागृत हो गई और धीरे धीरे महागण अपनी कामना के इतने अधीन हो गए कि वो अपना उद्देश्य भूल गए। और एक दिन वो घटना घटी जिससे महागण रक्षक से भक्षक में परिवर्तित हो गए। मैं आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। देवी रति, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। महागण, आप देवी रति का अपमान कर रहे हैं। तुरंत देवी रति का हाथ छोड़िए महागण। क्षमा करें कामदेव, परंतु अब मैं करूंगा देवी रति से विवाह। महागण, तुम अपने जीवन का उद्देश्य भूल रहे हो। आप धर्म को त्याग कर अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। कामदेव, विवाह करना कोई अधर्म नहीं। महागण, तुम्हारा इतना दुस्साहस। महागण, छोड़ो मेरा हाथ। जो आपकी रक्षा नहीं कर सकता, उसे आपका पति बनने का कोई अधिकार नहीं है। मैं सदैव ही आपकी रक्षा करूंगा, इसलिए आपका पति बनने का अधिकारी मैं हूं, ये कामदेव नहीं। तो चलिए देवी। महागण, तुम धर्म से विमुख हो चुके हो। महादेव को दिया हुआ वचन खंडित कर रहे हो। तुम महापाप कर रहे हो, इसलिए छोड़ दो मुझे। देवी रति, मैं आपसे प्रेम करता हूं और प्रेम से बढ़कर कोई धर्म नहीं, कोई वचन नहीं। महागण, अब तुम जीवित नहीं बचोगे। कामदेव, आप सौंदर्य के देवता हैं, शक्ति के नहीं। मेरे प्रेम में बाधा ना बने। जाइए, चले जाइए यहां से। महागण, जब तक मुझ में जीवन है मैं तुम्हें यह धर्म नहीं करने दूंगा। महागण, महागण, रुक जाओ। महागण, छोड़ दो कामदेव को। आप मेरी होने वाली पत्नी है, इसलिए आपके कहने पे मैं अपने प्रेम के परम शत्रु को जीवित छोड़ रहा हूं, अन्यथा। महागण, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे।
महागण जाने दो मुझे। अपने अतीत को भूल जाओ देवी, क्योंकि अब आपके समक्ष आपके सुनहरे भविष्य के रूप में यह महागण खड़ा है। चलिए मेरे साथ। छोड़ो मुझे महागण, तुम वासना में अंधे हो गए हो, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। छोड़ो मुझे महागण। रुक जाओ रती, महागण हूं मैं, महागण, और इस संसार में किसी में बल नहीं जो तुम्हारी रक्षा इस महागण से कर सके। उस दिन महागण ने अधर्म की सारी सीमाएं लांघ दी थी। वे भूल गए थे कि प्रेम सहचार्य है, विवाह में स्त्री पुरुष दोनों की सहमति का होना आवश्यक है, और इसके विपरीत वे असुरों के समान बलपूर्वक देवी रति को प्राप्त करने का प्रयास करने लगे थे। रुक जाओ रति। रक्षा करो मेरी, हे देवो, रक्षा कीजिए मेरी, इस महागण के अधर्म से बचाइए मुझे। रुक जाओ रती, तुम व्यर्थ में ही हमारा समय नष्ट कर रही हो। रुक जाओ रती, रुक जाओ। प्रभु, फिर तो देवी रति के सम्मुख बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया होगा। हाँ तुमसे, क्योंकि महागण महादेव के गण थे, उनकी शक्ति के सम्मुख संसार की कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती थी। तो फिर देवी रति ने क्या किया प्रभु, कैसे रक्षा की अपनी महागण से? तुलसी, महागण से रति की रक्षा केवल और केवल महादेव ही कर सकते थे, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए वो महादेव की शरण में पहुंची। हे महादेव, रक्षा कीजिए मेरी, आंखें खोलिए प्रभु, अपने महागण से रक्षा कीजिए मेरी। हे देवों के देव, हे धर्म के रक्षक, आंखें खोलिए प्रभु, जागिए अपने समाधि से, रोकिए महागण को इस महापाप से प्रभु। रती, रती। महादेव की संपूर्ण शक्तियां मुझ में भी वास करती हैं, इसलिए तुमसे विवाह करने के लिए अब महादेव भी मुझे नहीं रोक सकते। हे महादेव, आंखें खोलिए प्रभु, रोकिए इस विपदा को। पुकारो, पूर्ण शक्ति से पुकारो, ताकि तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम न रह जाए, ताकि तुम्हें यह विश्वास हो जाए यदि इस सृष्टि में तुम्हें महागण से कोई बचा सकता है तो वह स्वयं महागण है। यदि तुम इस संसार में सुरक्षित हो तो केवल इस महागण से विवाह करने के पश्चात सुरक्षित हो। रुक जाओ महागण। तुम्हारा ये दुस्साहस, जिनकी रक्षा का उत्तरदायित्व तो मैंने तुम्हें दिया था, तुमने आज उन्हीं पर कुदृष्टि डाली। क्षमा करें महादेव, परंतु यह कुदृष्टि नहीं, इस महागण की प्रेम की दृष्टि है। महागण, प्रेम त्याग, प्रेम करुणा है। प्रेम किसी को बलपूर्वक प्राप्त करना नहीं, अपितु अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं
अपने अहंकार का त्याग करने में है। महादेव, भले ही मेरा जन्म आप ही की शक्तियों से हुआ हो, परंतु अब देवी रति से विवाह करने के लिए आप भी मुझे नहीं रोक सकते। महागण, यदि तुमने अपनी वासना का त्याग नहीं किया तो तुम्हें अपने जीवन का त्याग करना होगा। महादेव, इसका निर्णय तो युद्ध से होगा। और अब मैं आपको परास्त करने के पश्चात ही देवी रति से विवाह करूंगा। महादेव, यह महागण आपको युद्ध के लिए ललकारता है, आइए युद्ध कीजिए मुझसे, परास्त कीजिए मुझे। ऐसा अहंकार कि महागण ने साक्षात महादेव को युद्ध की चुनौती दे दी, जो महाकाल है जिनसे महागण का जन्म हुआ था उन्हीं से युद्ध करने के लिए लालायत उठे। इतना बड़ा अधर्म। जब कोई काम के अधीन हो जाए, वासना के अधीन हो जाए, तो वो धर्म अधर्म सत्य शक्ति सामर्थ्य सब भूल जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति का नाश हो जाता है। और उस समय यही स्थिति महागण की भी थी। फिर क्या हुआ प्रभु? जब समझदारी की आंखें बंद हो जाए, शांति के लिए कोई मार्ग न बचे, तो युद्ध ही अंतिम विकल्प होता है दोस्त। इसलिए फिर युद्ध हुआ महागण और महादेव के मध्य, एक भयंकर युद्ध। महादेव, आप ही की शक्तियों से जन्मा हूं मैं, इसलिए आप मेरा अहित नहीं कर सकते। महागण जो अपनी वासना से हार गया, अपने वचन अपने धर्म से विमुख हो गया, उसका अंत कर देने में ही संसार का हित। इसलिए अंतिम अवसर दे रहा हूं मैं तुम्हें, क्षमा मांग लो देवी रति से। महादेव, मैं ना तो अंधक हूं और ना ही शंखासुर, जो आपके इस त्रिशूल से भस्म हो जाऊंगा। महागण, अधर्म को चाहे जो भी नाम दो, उसका एक ही परिणाम होता है, अंत, समूल अंत। मैं आपका ही गण हूं और आपकी ही शक्तियों से उत्पन्न हुआ हूं, आप अपनी शक्तियों को नष्ट नहीं कर सकते। महागण, जब मेरी ही शक्तियां संसार के लिए संकट बन जाए, तो ऐसी शक्ति का अंत करना संसार और विधान के हित में, इसलिए आज मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। ये क्या, महादेव ने मेरा त्याग कर दिया? यदि ऐसा हुआ, मेरी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि मेरी शक्तियों का मूल महादेव है। मुझे स्वयं ही अपनी रक्षा करनी होगी।
क्षमा कर दीजिए महादेव। महागण, तुम संसार की सुख समृद्धि आनंद और प्रेम के लिए संकट बने, तुम संसार के सभी प्राणियों के लिए संकट बने, तुम देवी रति और कामदेव के लिए संकट बने, जिनकी रक्षा का उत्तरदायित्व तो मैंने तुम्हें दिया, इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम ऐसे निर्जल स्थान पर सदा सदा के लिए बंदी हो जाओ, वहां कुछ भी नहीं होगा, न प्रेम, न आनंद, न सौंदर्य, न जीवन। तुम युग युगांतर तक अपने कष्ट पीड़ा में यूं ही भटकते रहो और तुम्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। नहीं, मत दीजिए मुझे श्राप, आप मेरे जीवन का अंत कर दीजिए महादेव, परंतु अपना श्राप वापिस ले दीजिए महादेव, अपना श्राप वापिस लीजिए। पर प्रभु, जब महागण अपने धर्म को भूल गए थे, अपने उद्देश्य से भटक गए थे, संसार के लिए इतना बड़ा संकट बन गए थे, तो महादेव ने उनका अंत क्यों नहीं किया? तुलसी, महादेव के गणों का अंत नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे महादेव से जन्मे होते हैं, वे महादेव के समान ही अजर, अमर और अविनाशी होते हैं। परंतु महादेव के श्राप के पश्चात महागण को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने महादेव से क्षमा याचना की। हे महादेव, अपने इस गण को क्षमा कर दीजिए, वासना के अधीन होकर मैं स्वयं को भूल गया था कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है। महागण, इसीलिए मैंने तुम्हें ऐसा दंड दिया जिससे अब तुम्हें सच में भी अपना स्मरण नहीं रहेगा। मुझे आपके द्वारा दिया गया दंड स्वीकार है, परंतु मेरी आपके समक्ष हाथ जोड़कर एक विनम्र विनती कि मेरे इस दंड का कोई उद्देश्य अवश्य दीजिएगा, क्योंकि उद्देश्य के बिना इस दंड का कोई अर्थ नहीं। महागण, तुम्हारा जन्म कामदेव की रक्षा के लिए हुआ था, इसलिए अपने शापित जीवन में भी, अनजाने में भी, तुम कामदेव की रक्षा करोगे। तुम अपने नकारात्मक भाव में होकर भी अपने उत्तरदायित्व का पालन करोगे, यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य। जैसी आपकी इच्छा महादेव। तो इसीलिए महागण कामरूप पर्वत पर इतने युगों से वास कर रहे थे और अपने नकारात्मक भाव में भी उस कलश की रक्षा कर रहे थे, पर उन्हें वो कलश प्राप्त कैसे हुआ? मृत्यु के पश्चात व्याज चरक को मुक्ति नहीं मिली, उनकी आत्मा आज भी द्वारिका में वास कर रही है। तो हम द्वारिका अवश्य जाएंगे प्रभु, अवश्य दूर करेंगे कामदेव के श्राप को। मनोहर का अंतिम संस्कार नहीं होगा, तुम दोनों का प्रेम पूर्ण होगा, ये वचन है हमारा। और हम तुम्हारा विश्वास क्यों करें? यदि हम मनोहर के प्राण वापस नहीं लौटा पाए तो लड्डू गोपाल की भक्ति छोड़ देंगे। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।